ये जो चिड़ियों की चहचहाट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये लोग मोटिवेट करते हैं मुझे वीडियो बनाने के लिए। भाई तू वीडियो बना। लोगों को ये लग रहा था कि MI CC9 Pro और MI Note 10 दोनों अलग अलग सेट है और दोनों की स्पेसिफिकेशन कहीं ना कहीं अलग है, लेकिन दोनों एक ही सेट है। चाइना में MI Note 10 को MI CC9 Pro के नाम से लॉन्च किया गया था वेडनेसडे को। इसके बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, पसंद आएंगे, लेकिन इसके जो क्लोज कॉम्पिटिटर्स है वो बन चुके हैं Realme X2 Pro और OnePlus 7T। प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। सो बने रहिए इस वीडियो में। सो यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर इंडिया। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सॉफ्टवेयर की अगर जहाँ तक बात कर लेते हैं तो MI Note 10 मतलब MI CC9 Pro में आपको Android 9 Pi देखने को मिल जाता है, साथ में आपको MI UI 11 देखने को मिल जाता है। OnePlus 7T में आपको Oxygen OS 10.0 देखने को मिल जाता है, साथ में Android 10 देखने को मिलता है। Realme X2 Pro की जहाँ तक बात है तो इसमें आपको Android 9 Pi देखने को मिल जाता है, साथ में ColorOS 6.1 देखने को मिलता है। जहाँ तक डिस्प्ले की बात हम लोग कर लेते हैं तो Realme X2 Pro में आपको 6.5 इंचेस वाली एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो भी काफ़ी अच्छा है और रिफ्रेश रेट भी काफ़ी बढ़िया है। OnePlus 7T की जहाँ तक बात है तो इसमें आपको 6.55 इंचेस वाली फुल HD प्लस फ्लैड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका रिफ्रेश रेट और एस्पेक्ट रेशो Realme X2 Pro के बराबर है। बात कर लेते हैं MI Note 10 की, तो इसमें आपको 6.47 इंचेस वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जहाँ तक प्रोसेसर की बात कर लेते हैं हम लोग तो MI Note 10 में आपको Qualcomm Snapdragon 730G चिपसेट देखने को मिल जाता है, साथ में 8GB की रैम देखने को मिल जाती है। OnePlus 7T की जहाँ तक बात है तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 855 Plus चिपसेट देखने को मिल जाता है और साथ में 8GB की रैम देखने को मिल जाती है। Realme X2 Pro में भी आपको सेम Qualcomm Snapdragon 855 Plus चिपसेट देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 12GB की रैम ऑप्शन देखने को मिलता है। जहाँ तक ऑप्टिक्स की बात है तो यहाँ पे Realme X2 Pro में आपको 64MP क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, OnePlus 7T में आपको 48MP वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, वही MI Note 10 में आपको पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 108MP वाला। फ्रंट साइड पे आपको MI Note 10 में 32MP वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि OnePlus 7T और Realme X2 Pro दोनों में 16MP वाला Sony IMX 471 सेंसर देखने को मिलता है। MI Note 10 256GB के ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में आता है, जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। रही बात OnePlus 7T और Realme X2 Pro की, तो इसमें भी आपको 256GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि नॉन एक्सपेंडेबल मिलता है। तीनों ही फ़ोन में टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 3.5mm ऑडियो जैक Realme X2 Pro और MI CC9 Pro मतलब MI Note 10 में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन OnePlus 7T में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक बैटरीज की बात है तो Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन में दिया है 5260 mAh वाली बैटरी, जो कि 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। OnePlus 7T में आपको 3800 mAh वाली बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 30T चार्ज को सपोर्ट करती है। Realme X2 की जहाँ तक बात है तो इसमें आपको 4000 mAh वाली बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 50W सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पे सबसे हल्का जो सेट बोल सकते हैं हम लोग वो है OnePlus 7T, जिसका वेट लगभग 190 ग्राम्स के आसपास में, और सबसे हेवी स्मार्टफोन बोलेंगे तो हम लोग MI Note 10 है, जिसका वजन है लगभग 208 ग्राम। MI Note 10 के प्रोस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो MI Note 10 में आपको एक बड़ी एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, उसके अलावा में जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो 730G चिपसेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग फ्रेंडली है, फ़ोन गर्म नहीं होगा आपका। दूसरी चीज़ है MI UI 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, साथ में 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। MI Note 10 के प्रोस के बारे में तो बात हो गई, अब कॉन्स पे आ जाते हैं। तो इसमें पहला कॉन्स ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलता है, मतलब फ़ोन वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है और लो लाइट फोटोज़ है उतनी खास नहीं मिलती है आपको।
अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से MI Note 10 को बाय करना चाहोगे तो कभी भी मत खरीदना, ठीक है। दूसरी चीज है, आपको Android 10 अभी इसमें नहीं मिलने वाला है। OnePlus 7T के प्रोस के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है और जिसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो एक्सट्रीम है। इसके जो लाउड स्पीकर्स है और डिस्प्ले है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। दूसरा एडवांटेज ये मिल रहा है आपको, इसमें ऑक्सीजन 10 मिल रहा है और एंड्रॉयड 10 मिल रहा है। OnePlus 7T के कॉन्स के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मतलब फ़ोन जो है वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है और डस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। जो कैमरा एप्लीकेशन है इसका, उसमें आपको कुछ बग्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में जो लो लाइट फोटोज़ है वो उतनी खास नहीं मिलती है आपको। Realme X2 Pro के प्रोस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है और जो नॉच है वो आपको काफ़ी ज़्यादा छोटा मिलता है। दूसरी चीज़ है, डिपेंडेबल बैटरी लाइफ है। इसके अलावा 15 वाट सुपर VWC फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो बैटरी के हिसाब से ठीक ठाक है। 3.5 mm का ऑडियो जैक यहाँ पे आपको मिलता है। Realme X2 Pro के कॉन्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो आपको अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है वो उतना खास नहीं मिलता, साथ में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो इस हैंडसेट के जरिए। नाइट स्केप कैमरा बोर्ड जो होता है उस पर Realme को अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये जो फ़ोन है ना वो गर्म होता है जब आप अपने 50 वाट वॉल चार्जर के साथ में इस फ़ोन को चार्ज करते हो। और दूसरी चीज़ है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है। कुल मिला के मैं अगर आपको बताऊँ तो एक आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो MI Note 10 में है, एक अच्छी बैटरी चाहिए तो MI Note 10 में है, और एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो MI Note 10 में है। ज़्यादा नहीं हो गया MI Note 10। लेकिन अगर आप गेमिंग के हिसाब से कोई भी फ़ोन परचेस करना चाह रहे हो, आपका गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ हो, तो Realme X2 Pro आपके लिए है। क्योंकि मैं OnePlus 7T को इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो रेट है वो Realme X2 Pro से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन Realme X2 Pro उसी प्राइस रेंज में, अपने लोएस्ट प्राइस रेंज में आपको Qualcomm Snapdragon 855 Plus चिपसेट दे रहा है। इसलिए अगर कैमरा चाहिए, बैटरी चाहिए तो MI Note 10, और अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए प्रोसेसर के साथ में तो Realme X2 Pro। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो चैनल पे आते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन जो आखिरी में आपको देखने को मिल जाता है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मेरा चैनल ग्रो होता रहे और आपको मेरा असिस्टेंस मिलता रहे। सॉरी। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।